जिले के भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के किसानों ने लागत के हिसाब से फसल का मूल्य नहीं मिलने की बात पर मोर्चा खोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें, निमाड़ जिले में कम बारिश से फसलों के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में लागत के हिसाब में फसल का भाव स्थिर है, जबकि महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। ऐसे में जिले के किसानों ने मोर्चा खोला और वाहन रैली निकालकर केंद्र सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान किसानों ने बताया कि समय रहते मांग नहीं मानी गई तो आगामी समय में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किसान संघ द्वारा पूरे देश में, देश के 525 जिलों में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जो कि हमारी जो यहाँ की समस्या है, जिले में एक तो अवर्षा के कारण सूखा घोषित कराना चाहते हैं, दूसरा लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की हमारी विशेष मांग है और उसमें भी लाभांश जोड़कर देना चाहिए। यदि ये मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 सितम्बर तक हम लोग धरने और आंदोलन के लिए खरगोन जिले में बाध्य रहेंगे। लगभग कितनी जगहों से किसान आए अभी आज? आप ये समझ लीजिए कि जिले के करीब 1200-1300 गांवों से किसान आए हैं। तहसील अध्यक्ष, तहसील मंत्री एवं विशेष जो कार्यकर्ता हैं वो सभी पधारे हैं आज के कार्यक्रम में। अगर मांगे पूरी नहीं करते तो अगली, अगर जिला प्रशासन शासन हमारी मांगे पूरी नहीं करता है तो हम लोग 15 सितंबर तक जो शासन की डेडलाइन होती है सूखाग्रस्त घोषित करने की, यदि वो नहीं करते हैं तो हम 15 सितंबर के बाद हमारी जिले की बैठक लेकर और धरने या आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब तक आवेदन दिए हैं आप लोगों ने? कितना आवेदन दिए? अभी हम लोगों ने बहुत बार कलेक्टर मैडम से बात भी की है और लिखित रूप में भी दिया गया है हमारे द्वारा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या नाम आपका? पारस पाटीदार, भारतीय किसान संघ जिला मुजफ्फरनगर। क्या मांगे हैं आपकी? तुम्हें लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, उस मांग को लेकर आज पूरे देश के अंदर धरने दिए जा रहे हैं। 525 जिलों के अंदर ये धरने प्रारंभ हुए हैं, 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरने हैं। अगर इस प्रकार की मांगों पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगामी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश का अन्नदाता, देश का पेट पालता है और देश का मुखिया अन्नदाता से बात करने तक की सोच भी नहीं रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, देश का मुखिया है वो तो नहीं सोच रहा है, पर यहाँ के भी हमारे मुखिया है, सांसद है, राज्यसभा सदस्य है, उनको भी सोचना चाहिए कि किसानों के विषय को लेकर संसद में उठाना चाहिए। प्रकृति की मार एक तरफ पड़ रही है किसानों के ऊपर, दूसरी तरफ सरकार भी किसानों की बातों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही है और आज किसान को धरती जमीन पर मतलब करना पड़ रहा है, खेती बाड़ी अपना काम धंधा छोड़ के किसान की इतनी मजबूरी हो गई है कि किसान परेशान हो रहा है, उसकी तरफ कहा उसकी तरफ उसकी कोई बात सुनने वाला है ना कुछ कहने वाला है। अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? अगला कदम केंद्र से तय होगा कि क्या होना है, धरना प्रदर्शन है या पूरा भारत जाम करना है, ऐसी योजना केंद्र बनाएगा और उसके साथ तो पूरा खरगोन जिला भी उसके साथ रहेगा। क्या मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग एक ही है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए इस और प्लस उसके 25% लाभांश जोड़ के किसानों को देना चाहिए, अभी उसकी लागत ही नहीं निकल रही है। जिला मुख्यालय पे जो आए हुआ है धरना प्रदर्शन, इसमें कितने गांव के किसान, कितने संख्या है? आज 4-5 हज़ार किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं और आगे अगर इस प्रकार की मांगे नहीं मानी गई तो लाखों किसान सड़कों पर आ सकते हैं। कमल सिंह आइना, भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत अध्यक्ष।